साथियों नमस्कार। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके डैशबोर्ड पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि दिन दहाड़े लूटा फिनो बैंक। ये समाचार मीनापुर में से है, जहाँ पर मात्र 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर की दूरी पर ही फिनो का ब्रांच है, जहाँ पर दिन दहाड़े जो है कुछ लोगों ने जा कर के बैंक को लूट लिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ, कैसे पूरा हादसा हुआ, पूरा मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। साथियों, यदि आप किसी भी बैंक की सीसी भी चलाते हैं तो सावधान सबको रहने की ज़रूरत है। आए दिन जो है लूटपाट ज़्यादा हो रही है इस दीपावली के अवसर पर। तो साथियों, मैं बता रहा हूँ मीनापुर में क्या हुआ, इसके पूरे डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, हेडलाइन देख सकते हैं, मीनापुर थाने से 500 मीटर दूरी पर दिन दहाड़े फिनो बैंक से 34,000 रुपये की लूट, ग्राहक को बनाया गया बंधक। ये मुजफ्फरपुर से न्यूज़ है, ये न्यूज़ आज का ही है, आप इसे देख सकते हैं। पूरा समाचार जो है, मुस्तफागंज स्थित फिनो पेमेंट बैंक मंगलवार को दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने घुसकर हथियार के बल पर 34,000 रुपये लूट लिए। यह बैंक थाना से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। लूट के समय इतनी ही राशि बैंक में उपलब्ध थी। जिला पार्षद सीता कुमारी व वैश्य चैतन्या मंच के प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन कुमार गुप्ता ने मकान में यह बैंक संचालित है बताया गया कि बिना नंबर के दो बाइक पर सवार होकर अपराधी आधम के एक बाहर रह गया, चार अंदर घुस करके पहुंचते ही ग्राहक को बंधक बना लिया और महिलाओं का मोबाइल स्विच ऑफ करा दिया। इतने में फील्ड अफसर रंजीत कुमार सीआरओ को पिस्टल तान दी और तीन चार थप्पड़ जड़ दिया। कैशियर दीपक कुमार को कब्जे में लेकर के बैंक खुलने के समय हुआ पैसे व सीआरओं से चाबी लेकर के बैंक का सेफ खोलकर पैसे लूट लिए। बैंक कर्मियों से दो मोबाइल, एक लैपटॉप व एक टैब भी लूट लिया। सीसीटीवी कैमरा के तार क्षतिग्रस्त कर दिया। लूट के बाद सभी उत्तर दिशा की ओर भाग गए। थानाध्यक्ष राजकुमार व एसआई अजहर अली के नेतृत्व में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस घटनास्थल पर 7:65 एएम पर 7.65 mm की तीन गोलियां व मैगनीज बरामद की। थाना अध्यक्ष ने कैशियर व अन्य कर्मियों से पूछताछ घटना को विस्तृत जानकारी ली व पुलिस ने थाने के सीमावर्ती थानों में भी चौकी बढ़ा दी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पूरी घटना का फुटेज सीसी कैमरे में कैद है, अपराधियों को पहचान कर की जा रही है। फिनो पेमेंट बैंक के शासक प्रबंधक आरा जिला के संदेश थाना क्षेत्र में अभयपुरा ग्राम के अमित कुमार से बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। बैंक में पूछताछ करते हुए थानाध्यक्ष और मैगनीज के साथ जब्त की गई तीन गोलियां बरामद कर ली गई हैं। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि थाने के सटे हुए बैंक भी अगर सुरक्षित नहीं हैं तो हम CSP चलाने वाले, ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले लोग शहर से काफ़ी दूरी इलाके पर होते हैं और ग्रामीण इलाकों में होते हैं, तो हम लोगों की उसकी सतर्कता और बरतनी पड़ेगी। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सीसी कैमरा जरूर लगवाएं, जिससे जो है जो भी घटनाएं घटती है वो चीज़ का जानकारी हम प्रूफ के साथ दे सकें और ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो सके, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ सके। तो साथियों, आपसे विनम्र फिर से अनुरोध है कि आप लोग CCTV जरूर लगावें। साथ ही हमारे चैनल पर आप नए हैं और फिनो पेमेंट बैंक की CCTV चलाते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें व अपने मित्रों में शेयर भी करें। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।